नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Apple iPhone 13 mini versus Apple iPhone 13 Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो iPhone 13 mini में 5.18 इंच जबकि iPhone 13 Pro में 5.78 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो iPhone 13 mini में 2.53 इंच जबकि iPhone 13 Pro में 2.81 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.3 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो iPhone 13 mini में 140 ग्राम जबकि iPhone 13 Pro में 203 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि iPhone 13 mini से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही OLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 19:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो iPhone 13 mini में 5.4 इंचेस जबकि iPhone 13 Pro में 6.1 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन iPhone 13 mini में 1080x2340 और iPhone 13 Pro में 1170x2532 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो iPhone 13 mini में 84.6% जबकि iPhone 13 Pro में 86.89% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो iPhone 13 mini में 477 पिक्सेल प्रति इंच जबकि iPhone 13 Pro में 457 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो iPhone 13 mini में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और iPhone 13 Pro की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो iPhone 13 mini में 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और iPhone 13 Pro की बात करें तो उसमें 13 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो iPhone 13 mini में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और iPhone 13 Pro में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 9 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही Apple GPU 4-core ग्राफिक्स देखने को मिलता है। चिपसेट दोनों फोन में सेम ही Apple Bionic मिलता है। बात करें RAM की तो iPhone 13 mini में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6 GB की RAM मिलती है, जबकि iPhone 13 Pro में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 3 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128 GB, 256 GB, 512 GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में iOS 15 देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो iPhone 13 mini में 5 कलर्स जबकि iPhone 13 Pro में 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो iPhone 13 mini में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ ₹69,900, 6 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ ₹79,900
6 GB रैम 512 GB स्टोरेज के साथ 99,900 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें iPhone 13 Pro की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 119,900 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 129,900 रुपीस, 8 GB रैम 512 GB स्टोरेज के साथ 149,900 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो एप्पल आईफोन 13 मिनी में 5 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें एप्पल आईफोन 13 प्रो की तो उसमें 2 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें एप्पल आईफोन 12 है जो कि 70,900 रुपए में मिलता है। दूसरा एप्पल आईफोन 12 प्रो मैक्स है जो कि 124,700 रुपए में मिलता है। तीसरा एप्पल आईफोन 12 मिनी है जो कि 58,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 3 है जो कि 88,999 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।